कोरोना संक्रमण के बीच आज से जेईई मेन की परीक्षा शुरू होगी। एनटीपी की ओर से आयोजित इस परीक्षा में करीब 23,000 विद्यार्थियों के लिए 5 जिलों में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रांची में 2 केंद्र आयोजन डिजिटल जोन तुपुदाना खोटी रोड और आयोजन सेंटर टाटरसिल में बनाए गए हैं। आज से 6 सितम्बर तक 2 पालियों में परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा होगी। वहीं दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों को पहुंचना होगा। आईआईटी जेईई और नीट की परीक्षा के आयोजन को लेकर पक्ष और विपक्ष में अलग अलग राय है। निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय कहते हैं कि ये परीक्षाएं 1 माह बाद भी हो सकती थी। ऐसे में साधन और अलग माहौल के कारण बहुत मेधावी छात्र वंचित रह सकते हैं। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीति एक ऐसी चीज है कि हर जगह पैठ कर गई है। स्थिति ये हो गई है कि यदि परीक्षा नहीं लिया जाता तो कहते कि साहब, यही लोग कहते कि साहब जो है सो 1 साल छात्रों का बर्बाद हो गया, परीक्षा ले रहे हैं तो तरह तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं। मैंने दोनों में चित भी मेरा पट भी मेरा, ये राजनीति ठीक नहीं है। छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कि मैं भी इससे सहमत हूँ कि आईआईटी जेईई की जो परीक्षा है वह कुछ दिन के लिए टाली जानी चाहिए। परीक्षा न हो इसका तो कोई हिमायत नहीं करेगा। और अभी जो स्थिति है, जिस तरह से एक बैक लॉकडाउन हो गया, जिस तरह से एक बैक 4 श्रेणियों में अनलॉक हो गया, तो एक अचानक निर्णय ले लेना किसी चीज़ के बारे में, जो छात्र दूर दराज के जगहों पर हैं वो कैसे आएंगे, उनके लिए सुविधा क्या होगी। आज माहौल में मानसिकता भी ऐसी है कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं हैं।